प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं चनाराम महला असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडोना से बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आज जानकारी देते हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से वैसे तो हम में से हर कोई परिचित है कि कैसे उस गुलामी के दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके बाद में आज़ादी के लिए इस संगठन ने मेहनत की और हम आज देखें तो स्वतंत्रता संग्राम में एक दल के रूप में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का माना जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उस दौर में भारतवर्ष के लगभग सभी धर्म के सभी विचारधाराओं के मानने वाले लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ करते थे और इसमें जब हम देखें तो WC बनर्जी से लेकर दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे जैसे उदारवादी, बाल गंगाधर तिलक जैसे उग्रवादी विचारधारा के मानने वाले और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे दिग्गज नेता जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पुरजोर भूमिका निभाई वो सभी इसके सदस्य व अध्यक्ष रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा की गई और जब इसकी स्थापना की गई तब मात्र 72 सदस्यों के साथ में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया जब अंग्रेज़ों को व पूरी दुनिया को लगने लगा कि भारत का अगर प्रतिनिधित्व कोई कर सकता है तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संपूर्ण भारतवर्ष के प्रतिनिधित्व के तौर पर देखा जाने लगा। तो ये उन महान राजनेताओं के प्रयासों की बदौलत संभव हुआ जिन्होंने आज़ादी की जंग में अपना योगदान दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में दो प्रकार की धारणाएं प्रचलन में है। प्रथम, सुरक्षा वाल्व अथवा अभेद्वीप धारणा व दूसरी राष्ट्रीय हित की धारणा। तो जब उस दौर के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा इसकी स्थापना की गई तो वाजिब है कि उस पर प्रश्न चिन्ह उठना ही था कि ये किस लिए अंग्रेज़ों को ऐसी एक अंग्रेज अधिकारी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे एक ऐसे महान संगठन की स्थापना करने का विचार आया या उनके द्वारा स्थापना की गई। तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन की सलाह पर अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक पुस्तक में लिखा है कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। इसकी स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य पर खतरों को समाप्त करना था और रजनी पाम दत्त ने भी इस मत का समर्थन किया है। वेडरबर्न जिन्होंने A.O. ह्यूम की जीवनी लिखी है उनके अनुसार ह्यूम ने कहा था कि भारत में असंतोष बढ़ रहा है और ब्रिटिश सरकार के पास कांग्रेस को सुरक्षा वाल्व के रूप में प्रयुक्त करने के अलावा विकल्प नहीं है। तो एक प्रमुख विचार ये इस प्रकार का कि ये एक सुरक्षा वाल्व अभेद्वीप की धारणा कि अंग्रेज़ जो हुकूमत है उसको भारत में उसको कैसे हम भारत में सुरक्षा प्रदान करें जिससे कि दोबारा से 1857 जैसी क्रांति जो है उसका सामना नहीं करना पड़े। तो एक सुरक्षा वाल्व के रूप में इसकी कल्पना की गई, ये एक विचारधारा है। दूसरी विचारधारा जो निकल के सामने आती है वो राष्ट्रीय हित की धारणा। 1860 और 70 के दशक से ही
भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत होने लगी थी, जिसका परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो ऐसा माना जाने लगा, या एक जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं वो ये मानते हैं कि भारतीयों में धीरे धीरे राजनीतिक जागरना चेतना जो है वो जागृत होने लगी थी, और उसी का परिणाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में हमें दिखलाई देता है। जागरूक भारतीय संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को गति देना चाहते थे, और वो संगठन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। इसी तरह यह एक लंबे समय से चले आ रहे असंतोष का परिणाम भी मान सकते हैं कि लंबे समय तक ऐसा कोई संगठन या विचारधारा को फॉलो करने वाली एक बहुत बड़ा संगठन जिसकी आवश्यकता होती है वो नहीं था, तो उसकी जो है उसका कह सकते हैं उसकी जो है पूर्ति करने का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। एनी बेसेंट के अनुसार ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए की गई हो सकता है, लेकिन दादा भाई नौरोजी, बनर्जी, रानाडे और मेहता जैसे देशभक्त ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने की मंशा रखते हो ये नहीं हो सकता। तो एनी बेसेंट के अनुसार हो सकता है अंग्रेज अधिकारी ने ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए इसकी स्थापना की गई हो, लेकिन जब इसके जो अध्यक्ष या उसके सदस्य देखें तो ऐसे जो राष्ट्रवादी जो लोग हैं वो इसके सदस्य या अध्यक्ष रहे, तो हम कैसे मान सकते हैं कि उनकी मंशा ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने की थी या भारत को स्वाधीनता दिलाने की थी। तो ये दो प्रकार की विचारधाराएं हैं जो ये मानती है कि एक सुरक्षा वाल्व के रूप में हुआ है या राष्ट्रीय हित के लिए इसकी स्थापना की गई है। स्थापना के उद्देश्यों के बारे में बात करें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य, तो देश हित में लगे सभी भारतीयों में मैत्रीभाव विकसित करना, राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाना, सामाजिक तथा राजनीतिक मसलों पर शिक्षित वर्ग के मतों को प्रकट करना। तो स्थापना के जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय हित की धारणा, जो दूसरा इसका जो है जो हमने जो है दूसरी विचारधारा जो पढ़ी उसी को आगे प्रकट करते हुए कि एक ऐसा मंच प्रदान किया था इसके द्वारा जो कि शिक्षित भारतीयों के मतों को प्रकट करे, राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करे, और धीरे धीरे भारत में जो राष्ट्रवाद की स्थापना हुई, जो राष्ट्रवाद की भावना हुई जिसकी वजह से आगे चल के हमें आज़ादी मिली, तो उसी को साकार करते हुए कांग्रेस की स्थापना की गई ऐसा माना गया। इसके प्रमुख अधिवेशनों की बात करें हम तो 1885 में जब इसकी शुरुआत हुई उसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी, 1907 का अधिवेशन राज बिहारी घोष, शुरुत अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ, एक तरफ उदारवादी दल और दूसरी तरफ उग्रवादी विचारधारा को मानने वाले लोग, दोनों तरफ के जो कह सकते हैं कि राजनेता थे उनकी सोच ये थी कि हमारी जो पद्धति है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, और एक समय ऐसा आया कि इनके बीच में समझौता नामुमकिन हो गया, तो तब सुरत अधिवेशन के अंदर कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1916 का लखनऊ अधिवेशन ऐसी मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ जिनमें पुनः दोनों दल गर्म दल और नरम दल एक हो गए, और 1930 का लाहौर अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। वैसे तो सारे ही अधिवेशन अपनी अलग विशेषता लिए हुए हैं, पर कुछ ही ऐसे अधिवेशन थे जिनके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कैसे उतार चढ़ाव आए। इसी के साथ में 1942 का वर्धा का अधिवेशन मैं बताना चाहूँगा जिसमें कि भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महात्मा गांधी को इजाज़त दी गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अधिवेशन प्रमुख अधिवेशन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के और इसके अधिवेशनों तक मैंने बताया है। अब इस पर कौन कौन से जो पर्सन है, वैसे तो आपको स्वयं बैठ करके इसके पर्सन और भी तैयार करने चाहिए क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो केवल मात्र राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि दूसरे सभी विद्यार्थियों के लिए भी काम में आने लायक है, और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। प्रथम प्रश्न की बात करें हम तो सुरक्षा वॉल्व संबंधी अवधारणा के बारे में बताइए, दूसरा कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य लिखिए, और तीसरा लाहौर अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न अभी बन सकते हैं इसमें से, जैसे कि महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी,
तो 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन है, तो इसी प्रकार से बहुत सारे अधिवेशन असहयोग आंदोलन के समय कब जो किस अधिवेशन के द्वारा इसमें गांधी जी को इज्जत दी गई, तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। धन्यवाद।